कहते हैं आज तक हम जो भी धर्म करते आए हैं वह स्वच्छंद करते आए हैं। मात्र एक सतगुरु की खोज और उनकी आज्ञा में धर्म हो तभी मोक्ष संभव है। जैसे गौतम स्वामी इतने ज्ञानी होने पर भी भगवान महावीर की आज्ञा में थे, उस विचार से सतगुरु और स्वच्छंद को समझना है। और ये भी कहते हैं कि इस पंचम काल में कोई आत्मज्ञानी सतगुरु नहीं है तो हमें समझ नहीं रहा कि हम सतगुरु किसे कहें और किसकी शरण में अपने धर्म का पालन करें ताकि हमारा स्वच्छंदता जाए। मरासा के व्याख्यान में सुना है कि जहां बंधन है वहां मोक्ष नहीं है, शायद उल्टा सुना होगा। ज्ञान गुरु है, हम बिना गुरु की आज्ञा से धर्म करते हैं तो उससे कहते हैं स्वच्छंदता, और अगर हम उनकी आज्ञा में रहकर कार्य करें तो उसे कहते हैं बंधन। एक्सप्लेन करें। अब यहाँ फिर से समझे, समझ की त्रुटियाँ बहुत है हम सबके भीतर। तो प्रश्न पहला ये है कि कहते हैं कि हम जो भी धर्म करते आए वो स्वच्छंद करते आए हैं, मात्र एक सदगुरु की खोज और उनकी आज्ञा में धर्म हो तभी मोक्ष संभव है। देखो, जब भी आपने किसी से ये वचन सुना होगा, तो जब भी आप किसी के वचन सुनते हो तो जानो वो वचन किस अपेक्षा से कहे गए हैं, क्योंकि सभी वचन साध सत्य होते हैं। अब यह प्रश्न है कि हमने सुना है कि गुरु को खोज ले और उनकी आज्ञा में हो तभी धर्म होता है, अन्यथा स्वच्छंदता होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जीव अब तक यहाँ तक भी कैसे पहुँचता? आपको अगर लग रहा है कि आपने गुरु को अभी तक पाया नहीं है, गुरु को खोजा नहीं है, तो आप धर्म की वाणी को सुनने तक पहुँचते भी कैसे? जीवन की समझ भी कैसे प्राप्त करते? यानी आपका भीतर में रहा हुआ बोध वही वाकई में आपका गुरु है, और वह बोध सबके भीतर है ही। बस इस बोध में शोध रखो, यानी सजगता रखो। बोध यानी जानने की क्षमता जो आपके और हमारे सबके भीतर है, प्राणी मात्र के भीतर है, और प्राणी मात्र ही अपनी बोध के वजह से विकसित होता है। लेकिन जैसे पंचेंद्र तक हम आए हैं, बोध है हमारे पास, बोध चेतना है, ज्ञान चेतना है, तभी तो यहाँ तक आ पाए, तभी तो हम विकसित हुए। और पंचेंद्र बनने के बाद में भी सतत हमें बोध रहता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, ये बोध हमें खुद से भी रहता है, अपने आप से रहता है, और अपने परिजनों से भी मिलता है, अपने माहौल से भी मिलता है, अपने संस्कारों से भी मिलता है, अपनी शिक्षा से भी मिलता है। तो देखो, बोध पूर्वक बढ़ते हुए यहाँ तक आए हो, इसलिए ऐसा मत सोचो कि जो कुछ किया सब स्वच्छंद बना है। ऐसा नहीं है। एकांतिक मत सोचो कि सब कुछ स्वच्छंदता है। विवेक है तो गुरु है ही आपके साथ में, और स्वच्छंदता ही होती तो आप यहाँ तक की समझ भी कैसे प्राप्त करते? इसलिए हर वक्त स्वच्छंदता ही हो ऐसा नहीं है। हाँ, अब अगला आपकी प्रश्न में, आपके ही प्रश्न के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि मात्र एक सदगुरु को खोज लो और उनकी आज्ञा में रहो तभी धर्म है और तभी मोक्ष संभव है। अब बताओ जरा, आप सदगुरु को या हम में से कोई भी व्यक्ति सदगुरु को कैसे खोजेगा? हम अपनी ही मान्यताओं के अनुरूप किसी व्यक्ति को खोजते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी अकल है, जितनी समझ है, जो कुछ हमने श्रुति परंपरा से सुना जाना माना है, हम उसी अनुसार लोगों में अगर गुरु को खोजते हैं, तो अगर हम अपनी मान्यताओं में फिट किसी व्यक्ति को गुरु देखना चाहते हैं, तब तो गुरु बहुत अदना सा व्यक्ति होगा जो हमारी मान्यताओं में फिट हो जाए, जो हमारे संस्कारों के चश्मे में देखे जाने वाले दृश्य के अनुरूप बने। हम ऐसे गुरु खोज रहे हैं तो हम गुरु को कभी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, और अक्सर लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं। सबने अपने अपने संस्कारों में बहुत सारी बातें सुन रखी है, मान रखी है, प्राप्त कर रखी है, और इसीलिए लोग साधकों में गुरु खोजते हैं, जबकि गुरु साधक नहीं होता है, गुरु ज्ञानी होता है। गुरु वह नहीं होता जो कठोर आचरण करता हो, क्रिया का प्रदर्शन करता हो, बहुत तपस्वी होता हो, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि गुरु को आप वैसे देखो कि जो श्वेत वस्त्रधारी होता है वह गुरु होता होगा, या जो लाल वस्त्रधारी होता है, कोई भगवा वस्त्रधारी होता है वह गुरु होता होगा, ऐसा नहीं है। गुरु वह है जो नित नूतन जीता है, क्षण क्षण जीवन जीता है। गुरु वह है जिससे ज्ञान झरता है, लेकिन वो बिना जरूरत के किसी को उपदेश भी नहीं देता है, बोलता भी नहीं है, हो सकता है बोलता भी ना हो। गुरु वह है जो निर्भय है, अभय है,
गुरु वह है जो डरपोक नहीं है, गुरु वह है जो दृढ़ आत्मविश्वासी है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, क्योंकि वह खुद को जानता है, खुद को प्रामाणिकता से जीता है, वह गुरु है। और ऐसे सच्चे निर्ग्रंथ गुरुओं के भीतर में कोई लोभ लालच नहीं होता है, वो किसी प्रकार का प्रदर्शन करते ही नहीं, सोच ही पैदा नहीं होती उनके भीतर में, क्योंकि जो स्वयं ज्ञान रूप है वो दिखावा क्यों करेंगे। देखो, सच्चे गुरु को पहचानना है तो उसको खोजो कि सच्चा गुरु कौन होता है। अभी तक हम गुरु के नाम पर गुरु को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक हम अपनी अपनी मान्यताओं में गुरु को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम गुरु तत्व से बहुत दूर रह जाते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप और हम इस लायक भी नहीं कि हम गुरु को, सदगुरु को खोज सके, केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, ज्ञान के प्राणी की प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, गुणों की भक्ति कर सकते हैं। वो करो ना, गुणों की भक्ति करने से भला कौन हमें रोक रहा है, गुणों की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो। और जो भी समण निग्रंथ हमें मिलते हैं या जो भी साधु महात्मा हमें मिलते हैं, सबके भीतर गुणों को देखो, अवगुणों को मत देखो। और अपनी मान्यता से अपने संस्कारों के आरोपित संस्कारों के अनुरूप किसी को न पाओ तो उसको असाधु करार करने की जल्दबाजी मत करो। किसी को भी असाधु करार करने की इच्छा भी अपने भीतर का अज्ञान, अविनय और मिथ्याभिमान ही है। ऐसा ही तो जनरली हम करते हैं, अपनी संप्रदाय के लोगों को हम महान मान लेते हैं, अन्य संप्रदाय के साधुओं को हम अपनी समाचारी के अकॉर्डिंग न देख करके उनको हम साधु ही नहीं मानते। कितने लोग तो कन्नी काटते हैं, नजरें चुराते हैं। अरे, सब में सद्भावना जितने भी अंशों में है साधुता है। जितने अंश साधुपन जिसमें सविनयों से नमो गुरु जी मैं स्वपाषंड रमो। तो गुरु से प्रार्थना करो, गुरु तत्व की भक्ति करो, देव तत्व की भक्ति करो, धर्म की आराधना करो। गुरु की वाणी हमें मिल रही है, वह भी गुरु है। गुरु का ज्ञान हमें मिल रहा है, वह गुरु है। उस ज्ञान की आराधना करो, क्योंकि निश्चय में गुरु वह होता है जो ज्ञानी होता है। ऐसे ज्ञानी गुरु है। अब दूसरी बात, अब देखो ना कितने विपरीत कथन हमको मिलते हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। गौतम स्वामी इतने ज्ञानी होने पर भी भगवान महावीर की आज्ञा में थे, उस विचार से सद्गुरु और स्वच्छंद को समझना है। अब भगवान महावीर और गौतम स्वामी की तुलना अपने जीवन से क्यों कर रहे हो? आप अपने आप के साथ अपने आप के साथ सच्चे होकर के खुद की बात खोजो कि आप स्वच्छंदी हो या नहीं हो। खुद को पता क्यों नहीं लगेगा? आप भूखे हो तो आपको पता लगता है ना, भूखे हो आप। अब घमंडी हो तो भी पता लगेगा आपको आप घमंडी हो। अब जरा सा खोजो तो सही, अपने भीतर शांत होकर के अपनी बात को सुनो, अपने व्यवहार को टटोलो तो सही। हमें क्यों लगता है भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी जैसे ही कुछ मेरे साथ भी होगा तो ही मुझे समझ में आएगा कि मुझे गुरु मिले हैं? मिले हैं तो भी समझ पड़ेगा, नहीं मिले हैं तो भी समझ पड़ेगा, पर इतने सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में विवेक जगाओ। अब आपका अगला सवाल है, और ये भी कहते हैं कि इस पंचम काल में कोई आत्मज्ञानी सदगुरु नहीं होता है, ये पता नहीं किसने कह दिया आपको? पता नहीं किसने कह दिया कि पंचम काल में सदगुरु नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता? किस जैन शास्त्र में ऐसा लिखा है? अगर आप जैन शास्त्रों की बात करो, सूत्रों की बात करो, तो मैं उन्हीं सूत्रों के साथ संदर्भ में आपको पूछना चाहूंगी कि किस शास्त्र में, किस सूत्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि पंचम काल में ज्ञानी नहीं होता है या पंचम काल में गुरु नहीं होता है? कहाँ लिखा है? और रही बात परंपरा से आपने सुना है तो इन बातों का क्या भरोसा? कितनी ही घसके चला दी जाती है दुनिया के अंदर में, ऐसी एक घसक चला दी गई कि पंचम काल में कोई साधु, कोई गुरु नहीं होता है, कोई आत्मज्ञानी नहीं होता है। अगर आत्मज्ञानी नहीं होता है, अगर गुरु नहीं होता है, तो ये जितने साधु साध्वी बनते हैं ये सब क्या यूं ही बन जाते हैं? मैं 20 साल पहले भी एक सवाल किया करती थी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसको इंजीनियर बनना है इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, लेकिन इस कॉलेज में
से कोई व्यक्ति इंजीनियर बनके पास आउट नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा कहे तो उसमें से कोई जाकर एडमिशन लेगा क्या? ऐसे हम वदतो व्याघात, मतलब अपनी बातों के विपरीत बातें करते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं कि साधु बन जाओ, दीक्षा ले लो, लेकिन गुरु तो कोई हो नहीं सकता है। गुरु नहीं हो सकता तो भी दीक्षा कैसे घटित होगी? और आत्मज्ञान नहीं हो सकता तो फिर संयम का क्या प्रयोजन? संयम का प्रयोजन ही आत्मज्ञान है, संवर का प्रयोजन ही आत्मज्ञान है, सामायिक का प्रयोजन ही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान कैसे नहीं हो सकता है? और सामायिक हो सकती है तो आत्मज्ञान भी हो सकता है। और फिर आपने कहीं सुन लिया क्या? और ये भी कहते हैं कि इस पंचम काल में तो कोई आत्मज्ञानी सदगुरु नहीं है, तो हमें समझ नहीं रहा कि हम सदगुरु किसे कहें और किसकी शरण में अपने धर्म का पालन करें ताकि हमारी स्वच्छंदता जाए। किसे सदगुरु कहें? आप और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सदगुरु है? लेकिन हाँ, जिसकी वाणी से ज्ञान खिलता है, जो निर्भीक है, जो व्यक्ति निशंक है, जो व्यक्ति की वाणी बताती है कि यह व्यक्ति प्रेम की अखंड धारा से जीता है, इसके भीतर कोई भेदभाव नहीं है, वह सदगुरु है। और ऐसे सदगुरु की एक विशेषता होती है कि वह कभी भी कूटनीतिमय वचन का उच्चारण नहीं करता, कभी शर्तों में नहीं जीता, कभी भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता, कभी आग्रहपूर्ण वाणी नहीं बोलता, कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है। वह निर्ग्रंथ गुरु है। और पंचम काल में भी ऐसे गुरु होते हैं बहन। हम अपनी साक्षी से, अपने अनुभव से कहते हैं, हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो सदगुरु है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी ऐसे ही सदगुरु है। आचार्य सम्राट विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव ऐसे ही सदगुरु है, जो अखंड प्रेम की धारा को जीते थे, जिनके भीतर कोई राग द्वेष, कोई भेदभाव, वैर विरोध नहीं है। वे अपनी बात को कहते हैं लेकिन किसी को काटने का, किसी को दबाने का कभी पराक्रम नहीं करते। और वे कहने के लिए नहीं कहते, सहज उनके मुख से वाणी खिलती है। और शिष्यों को साधना कराने के लिए कदाचित उन्हें समाचारी के कुछ नियम, साधना के कुछ नियम देते हैं, लेकिन वो नियमों को में बंद करके जीने की बात नहीं करते, वो विवेक से जीने की बात करते हैं। ऐसे सदगुरुओं के शरण में, सानिध्य में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि सदगुरु होते हैं। और पंचम काल में अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मन प्रेम ज्ञानी भी हो सकते हैं। आप संभावनाओं को मत नकारो और आत्म साधना के लिए तत्पर तो बनो। क्यों बहाना बनाते हैं हम पंचम काल का? सारा ही जैन समाज इस बड़े भयंकर दूषण से दूषित हो चुका है। सबके भीतर में एक गलत मान्यता घर कर गई है कि इस पंचम काल में ज्ञानी नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। अरे पुरुषार्थ तो करो, चले ही नहीं घर से, बाहर निकले ही नहीं और कहते हो कि मंजिल मिलती नहीं है। अरे चलो तो सही, निठल्ले बैठे तो मत रहो, खोजो। अनेकों लोग हैं इसी ज्ञान मार्ग में, ऐसे भी साधु हुए हैं। पूज्य समर्थ मल जी महाराज साहब कहा करते थे कि कुंडा माही रतन गिनीजे भलो पांचवो आरो। वो कहते थे कि पांचवा आरा बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ तो कुंडे में ही रत्न है, समुद्र में जाने की जरूरत ही नहीं रत्न को खोजने के लिए। एक छोटे से कुंड में ही रत्न पड़ा है, बस जरा हाथ डालो मिल जाएगा। जरा सा तो पुरुषार्थ जगाओ, जरा सी जागृति लाओ। ऐसा मत सोचो कि गुरु नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिला है, मैं कभी गुरु की शरणों में जाके समर्पित करूं तो स्वच्छंदता जाए। अरे स्वच्छंदता तो आपकी अपनी समझ है, आपको लग गया कि मेरी स्वच्छंद है समझ, तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आपके भीतर ज्ञान दृष्टि नहीं है, दर्शन नहीं है, विवेक नहीं है, है। आप सबके भीतर है, अपनी योग्यता पे भरोसा करो। और जैन दर्शन तो स्पष्ट कहता है कि हर एक व्यक्ति परमात्मा की क्षमता वाला है, हर एक आत्मा परमात्मा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी के शरणों में अपना सिर झुकाओगे तभी आपका कल्याण होगा? इस भाषा में, इस भाषा को पकड़ के मत बैठे रहो।
कब गुरु आएगा, कैसे भी आ सकता है। अगर तुम वाकई खोजी हो तो तुम्हें मार्ग दिखाने आ जाएगा। तुम वाकई जिज्ञासु हो, पिपासु हो, तुम्हें राह मिल जाएगी। बस अपनी जिज्ञासा के लिए ईमानदार रहना, अपनी प्यास के लिए सजग रहना। वाकई वाकई मुमुक्षा है तो गुरु की एक वाणी कहीं से भी कैसे भी मिलेगी। और गुरु जी तो कहा करते थे, विराट गुरु जी बड़े विचित्र बात कहते थे, क्योंकि जो आपका प्रश्न है ना, गुरु नहीं मिलता। एक बार की बात है, हम गांव गांव विहार जब कर रहे थे तो एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि लगातार 5-7 गांवों में, हर गांव में रात्रि में धर्म चर्चा के समय में हमारे सामने एक कॉमन क्वेश्चन हर गांव में पूछा गया, हर गांव में पूछा गया कि गुरु किसको माने। आजकल तो गुरु ही नहीं मिलता है। गांव गांव की जनता पूछ रही थी, और वो सारी जनता कोई जैन समुदाय वाली नहीं थी, वहां तो जैन समुदाय ही नहीं था, लेकिन गांव गांव की जनता ही सवाल कर रही थी कि हम गुरु किसको माने, हम गुरु किसको माने। सबको उत्तर देते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, और फिर एक दिन विराट गुरु जी आए, क्योंकि वे जोधपुर रहा करते थे, कभी कभी हमें पढ़ाने के लिए आते थे। तो जब वे आए तो हमने उनसे सवाल किया कि गुरु जी, गांव गांव की जनता को प्रश्न है कि उन्हें गुरु नहीं मिलता है, कैसे मिले, क्या वाकई गुरु मिलना इतना दुर्लभ है। तो गुरु जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, सुलभ गुरु संसार में शिष्य मिले बड़ भाग, शीश काट चरने बढ़े सो पावे साक्षात। समझ रहे होंगे ना, सुलभ गुरु संसार में, गुरु तो सुलभ है संसार में, शिष्य मिले बड़ भाग, शिष्य का मिलना बड़ा भाग्य से होता है। शिष्य कौन, शीश काट चरने बढ़े, जो अपने शीश को काट के रख दे, शीश काट के रख दे। शीश में क्या है, बुद्धि, अहंकार, पांचों इंद्रिया और ये फितूरिया दिमाग, इस सबको जो गुरु के चरणों में रख दे वो साक्षात गुरु को पाता है। और यहां गुरु एक व्यक्ति के रूप में मत खोजे उसको, अपनी कल्पनाओं से मत चाहो उसको। कदाचित वो किसी वाणी के रूप में सामने आए, कदाचित वो किसी दृश्य के रूप में आए, और कदाचित वो दैविक शक्ति के रूप में सामने आए। आप हैरान हो गए, हमें विराट गुरु जी भौतिक रूप में प्रत्यक्ष मिले, लेकिन विराट गुरु जी भी इसी तरह से जब गुरु को खोज रहे थे अपनी साधना काल में, खोजी थे, बहुत खोजी थे, जबरदस्त जिज्ञासु थे बचपन से, और तब खोजते रहे, तब उन्हें प्रत्यक्ष गुरु रूप मिला। वो देवलोक में स्थित आचार्य सम्राट विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव मिले, वो दैविक रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, और तब उन्हें गुरु तत्व की साक्षात मुलाकात हुई। लेकिन खोज है तो मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा, लेकिन हम कल्पना करते हैं उसी रूप में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं फिर कहती हूँ, चिंता ही मत करो, आप अपनी साधना करो, गुरु तुम्हें खोजता हुआ आएगा। बहुत प्यारी कहावत है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है गुरु खुद आ जाता है, ऐसा ही है। जब धरती बहुत तप जाती है, बहुत तपती है, बहुत तपती है, बहुत तपती है, उसी की तपन भाप बन करके ऊपर उठ जाती है और बादल बन के वापस बरस जाती है। देखो ना, बहुत प्यारी कविता है, प्यास स्वयं ही तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं। प्यास स्वयं ही तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं। प्रश्न का उत्तर मिलेगा तब, पूछते हुए जब तुम स्वयं ही प्रश्न बन जाओगे। जब अपने अस्तित्व में इतनी गहरी मांग होगी तो गुरु समक्ष होंगे, गुरु हमें खोजते हुए आएंगे। चिंता ना करो बहन, अरे गलत मान्यता को छोड़ दो कि पंचम काल में गुरु नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल का कोई दोष नहीं है। और ये भी आपने कहीं गलत सुना है, शायद आप कह रहे हो कि मैंने महाराज साहब के प्रख्यान में सुना है कि जहाँ बंधन है वहाँ मोक्ष नहीं है, उल्टा सुन लिया है, जहाँ बंधन है वहाँ मोक्ष भी है। तो बंधन का होना सत्य है तो मोक्ष का होना भी सत्य है, और मोक्ष को भी हम समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए हमें लगता है कि मोक्ष मतलब मरने के बाद मिलने वाली घटना, ऐसा नहीं है। क्षण क्षण जीने का वह तरीका, क्षण क्षण जीने का वह आयाम कि जिसमें हमारे भीतर कोई लिप्तता न रहे, कोई मूर्छा न रहे, उसका नाम मोक्ष है।
मोक्ष क्षण क्षण होने वाली घटना है। अभी मोक्ष का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रॉन्ग है, इसीलिए हमें लगता है कि मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष कोई एक दिन होने वाली घटना नहीं है, क्षण क्षण जीने का तरीका है। और मोक्ष तत्व को समझना हो आप हमारे तत्वार्थाधिकरण सूत्र पे दिए हुए बहुत सारे सीरीज को सुन सकते हैं जो यूडेमी पर पड़ी है। आप उडेमी प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, तत्वार्थाधिकम सूत्र। तो मोक्ष को भी समझो कि मोक्ष क्या है, वरना गलत मान्यताओं में मोक्ष को भी कल्पना में जीते जाओगे और कल्पना में कहोगे मोक्ष नहीं है, इस पल है, इस क्षण है, क्षण क्षण है। क्षण क्षण जीने का वह तरीका जब हम संवरित हो, जब हम सभान हो, अमूर्छित हो, वो क्षण क्षण मोक्ष होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि साध्वी वैभवशी ऐसा है जो कहती है पंचम काल में भी मोक्ष है। मैं कहती हूँ मैं ही नहीं, जो भी ज्ञानी है सभी कहेंगे कि पल पल मुक्ति है। और आप मेरी बात को भी मानो मत, जानो, खुद खोजो, तत्व को अपने जीवन में खोजो। अब आपका कहना है कि गुरु की आज्ञा से धर्म करते हैं तो उसे कहते हैं स्वच्छंदता, और अगर हम उनकी आज्ञा में रहकर कार्य करें तो उसे कहते हैं बंधन। ऐसा नहीं है, गुरु की आज्ञा में रहना बंधन कैसे हो सकता है? गुरु की आज्ञा में रहना बंधन नहीं है, गुरु की आज्ञा में रहना परम विनय से घटित होता है और उस विनय से हमारी मुक्ति होती है, कल्याण होता है। इसीलिए मुक्ति है बहन, गुरु भी है, केवल हम योग्य पात्र हो जाए तो कल्याण निसंदेह हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।